परिवर्तन चाहने वाले लोग, इंसानियत की पनाह, इंसानियत की खोज में, पनाहों की तलाश में दर दर का इंसान भिखारी बन गया, कोई बोलने वाला नहीं था। लोगों को हमने संगठित करने का प्रयास किया, कोई भी क्वारी नहीं किया। पिछड़ा के पिछड़ा दलित जिस पर कहर बरपाया जा रहा था, सामूहिक नरसंहार का भोजी बन रहा था, सब लोगों को आवाज लगाया, परिवर्तन हुआ। 2005 से बिहार के मुखिया नीतीश बाबू बने। लगा एक नया सवेरा आएगा, नया बिहान आएगा, खेतों में पानी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों का फसल का कीमत मिलेगा, बेटियों का इज्जत सुरक्षित होगा, बच्चों की पढ़ाई दुरुस्त होगा, कल कारखाना लगेगा, पढ़े लिखे को रोजगार मिलेगा, यहाँ भ्रष्टाचार मिटेगा, जवाहर रोजगार योजना होगा, नरेगा होगा, मनरेगा होगा, गांव का दलित अति पिछड़ा पिछड़ा के बेटों को रोजगार मिलेगा। साथियों, 17 वर्ष से बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं इंजीनियर साहब, नालंदा के धरती के पुत्र हैं। इन्होंने जो वादा किया था पूरा बिहार जानता है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, किसी रोड मैप तैयार किया गया, फसल किसानों का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगा, उत्पादित धान और गेहूं मसूर चावल का कीमत वाजिब कीमत मिलेगा, बेटियों का इज्जत सुरक्षित रहेगा, न्याय के साथ विकास होगा। बरस बीता, 17 वर्ष, बड़का भाई भोजाई 15 वर्ष और 17 वर्ष से छोटका भाई, सामाजिक न्याय का दो पुरोधा, एक बड़का भाई लालू जी, छोटका भाई नीतीश कुमार, आजादी का 72 वर्ष और 33 वर्ष बड़का छोटका भाई का। क्या हुआ 33 वर्ष में? दोनों भाइयों ने बिहार के गरीबों को दोनों हाथों से लूट लिया, लूट लिया, किसानों का खेत का वाजिब कीमत मिला क्या? नीतीश बाबू वास्तव में इस धरती का भगवान किसान है, मजदूर है, जो दिन के दोपहरिया में कड़कड़ाती बिजली में धरती के सीने को चीरता है, अन्न जाता है,